एक्सपेरिमेंट नंबर 12 टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई बाय मेल्डीज अपरेटस। आज हम मेल्डीज अपरेटस का यूज़ करेंगे और इस अपरेटस की मदद से हम एसी करंट की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये कंप्लीट सेटअप है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ये मेल्डीज अपरेटस है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मेल्डीज अपरेटस। ये ब्लैक कलर की जो कॉइल है इसके अंदर से एसी करंट फ्लो करेगा। तो जब इसके अंदर से एसी करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगी। ये मेटल की रॉड इस कॉइल में से पास कर रही है। तो जब ये कॉइल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगी तो ये जो मेटल की रॉड है ये भी वाइब्रेट करेगी और ये यू शेप में मैग्नेट लगा हुआ है। अब आपने इस मेटल रॉड को धागे के साथ अटैच कर देना है और इस धागे को पुली में से आपने पास कर देना है। इस तरीके से पुली से आप इस धागे को पास कर देंगे और इसकी जो दूसरी साइड होगी इस धागे की वहाँ पे आप मैस को अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ मैस हम यहाँ पे अटैच करेंगे। आपने पुली और मेटल रॉड इन दोनों को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। इस कंप्लीट सेटअप को आप दोबारा से एक दफ़ा देख सकते हैं। अब हमें 500 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर लंबा धागे का एक पीस चाहिए। ये जो धागा हम यूज़ करेंगे ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि सारा का सारा जो धागा है वो बिल्कुल एक जैसा हो। तो इसमें से मैंने 500 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर लंबा धागे का ये वाला पीस मैंने कट कर लिया है। अब हम इसका जो मैस है वो हम फाइंड करेंगे। तो मैस की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.79 ग्राम्स। मैस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू एम डैश, यानी 5 मीटर लंबे धागे का जो मैस है वो है 0.79 ग्राम्स और हमने फाइंड करना है 1 सेंटीमीटर धागे का जो मैस है। तो क्या करेंगे हम एम डैश को हम 500 से डिवाइड कर देंगे, यानी स्मॉल एम की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है उसके लिए एम डैश को 500 से डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास आएगा 1.58 मल्टीप्लाइड बाई 10^-3 ग्राम्स। तो अब हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका मैस फाइंड करेंगे। तो मैस फाइंड करने के लिए हम इसको पैन के साथ, यानी पैन इसके अंदर इंक्लूड होगा, उन दोनों का हम मैस फाइंड करेंगे। तो इसका मैस है 30.32 ग्राम्स। तो उसके बाद दोबारा से आप इसको हैंग कर देंगे पुली के ऊपर से पास करके। और ये स्टेबल होना चाहिए, इसको शेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये जो धागा है, अब हम इस बटन को ऑन करेंगे। अब इस बल्ब के आगे मैं यहाँ पे ना एक यहाँ पे पेज रख देता हूँ ताकि जो कैमरे की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। अब इस कॉइल में से एसी करंट फ्लो कर रहा है लेकिन ये जो मेटल रॉड है ये अभी वाइब्रेट नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं धागे पे आपको किसी किस्म की वेव बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, ये जो मेल्डीज अपरेटस है इसको आपने स्लाइड करना है। ठीक है, ये जो मेल्डीज अपरेटस है इसको हम स्लाइड करेंगे थोड़ा सा आगे और पीछे और हम देखेंगे कि धागे के ऊपर वेव बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले मैं इसको स्लाइड करता हूँ, आप देखें ज़रा, ये देख सकते हैं धागे के ऊपर जो वेव है वो बनना स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे स्लाइड करता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो वेव है ये अब ख़त्म हो गई। अब इसको आगे आप स्लाइड करेंगे भी ये वेव नहीं बनेगी। अब दोबारा से पीछे स्लाइड करता हूँ तो ये इस पॉइंट पे अराउंड अबाउट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रही है। तो जब ज़्यादा पीछे किया तब भी वेव ख़त्म होगी, यानी यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ऐसा है जहाँ पर जो वेव है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगी। अगर आप उससे इसको आगे या पीछे मूव करेंगे थोड़ा सा भी ये जो वेव है ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे आपने इसको सेट करना है, तो मैंने सेट कर दिया। अब इसका जो नोड है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे स्केल को रखेंगे ज़ीरो, ये यहाँ से ज़ीरो वैल्यू इसकी है। और उसके बाद ये जो दूसरा नोड है इस वेव का उसकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर नोड है, यानी यहाँ पर जो वेव है ये ख़त्म हो रही है, तो इसकी वैल्यू है 39 सेंटीमीटर। ठीक है, हम दोनों नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर लिया, वो है 39 सेंटीमीटर। आप वेव को देख सकते हैं,
इस धागे के ऊपर जो वेव बन रही है वो एक ही वेव बन रही है, यानी जो इसके ऊपर जो लूप है वो एक ही लूप है। आप इसको साइड एंगल से भी देख सकते हैं। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास एक थी। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम नोड्स, तो जो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस था वो हमने फाइंड किया था 39 सेंटीमीटर था, तो 39 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ ईच लूप, स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल ओवर एन, तो कैपिटल एल ये वाला जो 39 था और स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ लूप्स, तो इसको मैं कट करके, वैसे ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, तो स्मॉल एन कर देंगे, 39 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 39 सेंटीमीटर। उसके बाद मैस ऑफ पैन प्लस मैस एडिड, तो पैन और जो मैस एडिड उसके अंदर करेंगे दोनों का कंबाइन, हमने इसका मैस फाइंड करना था, तो हमने कंबाइन ही उसका मैस हमने फाइंड किया था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास थी 30.32 ग्राम्स। उसके बाद टेंशन इन दी थ्रेड टी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई 9891, तो एम की वैल्यू 30.32 और 981 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला, तो एल की वैल्यू हमारे पास ये है 39 सेंटीमीटर, टी की वैल्यू हम ये वाली यूज़ करेंगे और स्मॉल एम हमने ये वाली वैल्यू फाइंड की थी 1.58 मल्टीप्लाइड बाई 10^-3। अब हम इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55.6 हर्ट्ज़। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म करेंगे, तो दोबारा से परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे मज़ीद मैस को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसका कंबाइंड जो मैस है वो भी फाइंड कर लेते हैं, तो दोबारा से इसका मैस फाइंड करेंगे 40.55 ग्राम्स। अब दोबारा से इसको पुली से पास करके इसको दोबारा से इसके साथ हैंग कर देंगे, और ये इस तरीके से ये शेक नहीं करना चाहिए, यानी इसको स्टेबल होना चाहिए, तो इसको थोड़ा स्टेबल कर देंगे ठीक है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेव है ये दोबारा से ख़त्म हो गई है ठीक है। ये यहाँ पे पहले वेव बन रही थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने मैस को इंक्रीज़ किया, तो ये जो वेव है वो ख़त्म होगी। तो दोबारा से क्या करेंगे, ये जो मेल्डी ऑपरेटर है इसको हम स्लाइड करेंगे, तो मैं इसको बैकवर्ड स्लाइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोबारा से वेव बनना स्टार्ट हो गई है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और फिर ये जो वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो गया है। तो दोबारा से आपने इसको उस पॉइंट पर सेट करना है जहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो, तो ठीक है। ये इस पॉइंट पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, अगर इसको इससे लेफ्ट या राइट अगर इसको आप मूव करते हैं तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमने इसको सेट कर दिया। दोबारा से दोनों नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे। ये पहला नोड है, इसको मैं 0 पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो सेकेंड नोड है उसकी वैल्यू हम स्केल से फाइंड कर लेते हैं ठीक है। ये नोड यहाँ पे बन रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो स्केल के मुताबिक 47 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ लूप्स दोबारा हमारे पास एक ही है। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम नोड्स 47 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ ईच लूप, तो कैपिटल एल को स्मॉल एन से डिवाइड करेंगे तो आंसर दोबारा से हमारे पास आ जाएगा 47 सेंटीमीटर। तो मैस हमारे पास आया था 40.55 ग्राम्स। तो टेंशन उसके लिए 981 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैस को, तो अब हम इन सब वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53.38 हर्ट्ज़। अब हम इसमें मज़ीद मैस को ऐड करेंगे, तो मैंने मैस को ऐड कर दिया। दोबारा से इसका जो कंबाइंड मैस की वैल्यू है वो हम फाइंड कर लेते हैं 50.21 ग्राम्स। दोबारा से पुली से पास करेंगे और इसको इसके साथ हैंग कर देंगे, और ये स्टेबल होना चाहिए, तो दोबारा से इसको स्टेबल कर देंगे। तो हमारी जो वेव है वो दोबारा से वो यहाँ से डिसअपेयर हो चुकी है। तो क्या करेंगे, मेल्डी ऑपरेटर्स का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दोबारा से फिर इंक्रीज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं जब मैं डिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँगा तो दोबारा से वेव क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेव बन गई है यहाँ पर, तो दोबारा मैंने इसको उस पॉइंट पर सेट कर दिया जहाँ पर ये जो वेव है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रही है। तो दोनों नोड्स के दरमियान डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ लूप्स 1 थी हमारे पास, डिस्टेंस दोनों नोड्स के दरमियान हमारे पास था 49.5 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एल की वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो 49.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और जो मैस था कंबाइन वो हमारे पास था 50.21 ग्राम्स। तो टेंशन टी के लिए इसको 981 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन सब वैल्यूज़ को दोबारा से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.5
4 हर्ट्स। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55.13 हर्ट्स। ये आगे लिखा हुआ है CPS, तो CPS भी सेम ही यूनिट है, हर्ट्स और CPS इक्वल ही होते हैं। CPS यानी कि साइकिल पर सेकंड और हर्ट्स भी सेम ही चीज़ है, तो 55.13 हर्ट्ज हमारे पास वैल्यू आ गई। पाकिस्तान में हमारे घरों में जो करंट आता है एसी करंट, उसकी फ्रिक्वेंसी 50 टू 60 हर्ट्ज होती है, यानी 50 और 60 हर्ट्ज के दरमियान उसकी रेंज होती है। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू 55 बिल्कुल एक्यूरेट आ गई है।